नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। इन दिनों मीडिया का एक खास वर्ग लगातार आपको यह दिखा रहा होगा कि मोदी सरकार चीन के फ्रंट पर पीछे हो गई है। लगातार वो चीन से हारने लगी, या भारत चीन विवाद में चीन एज ले चुका है और भारत सरकार के पास ना तो इतनी शक्ति है और ना ही वो इस तरीके से जवाब दे रही है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जिस तरीके से चीन को जवाब दिया है वो काबिले तारीफ। इतना ही नहीं, भारत की सरकार ने और भारत की सेना जिस तरीके से चीन के साथ डील कर रही वह भी काबिले तारीफ है, जिसकी वजह से अब खबर यह भी है कि चीन के सैनिक अब जिस जगह पर विवाद हुआ था वहाँ से पीछे हट रहे हैं, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने टेंट को भी हटाया। खैर, इन दिनों में लगातार जब आपके पास यह खबर आ रही होगी तो आपने कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं देखी। हम आपको आज 10 ऐसी खबर बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इन दिनों में मोदी सरकार ने क्या क्या किया, भले ही आप इस भारत चीन विवाद के लिए सिर्फ निगेटिव खबरों को देख रहे हैं। पहली खबर, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए धारचूला लिपुलेख रोड का निर्माण किया गया। ये इसी समय में किया गया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा काफ़ी कठिन थी, रास्ते बहुत दुर्गम थे, अलग अलग देशों से होके जाना होता था। अब इस रास्ते को सुगम करने के लिए मोदी सरकार ने धारचूला लिपुलेख रोड का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन हो गया है। अब इतना ही नहीं, लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर DSDBO रोड बना रहे हैं। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हम उन इलाकों में पेट्रोलिंग कर सकें जहां धीरे धीरे चीन कब्जा करना चाहता है, जहां पर दबे पांव चीन कब्जा जमाना चाहता है। हम उन दुर्गम इलाकों तक पहुंचना चाहते हैं जिसके लिए इस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार करवा रही है। अब अरुणाचल में भी LAC के पास भारत ने 430 फीट लंबा पुल बनाया है। इसकी ज़रूरत भी इसलिए है ताकि आप LAC पर नज़र रख सकें, हमारे सैनिक जल्द से जल्द LAC के पास पहुंच सकें। यह तीसरी पॉजिटिव खबर। चौथी खबर, गलवान में जो झड़प हुई थी वहां घुसपैठ करने वाले चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने माकूल जवाब दिया। इतना ही नहीं, अब उन्होंने वहां से टेंट भी हटा लिया है। पांचवी खबर, लगातार ये कहा जा रहा है कि, या इसके पहले के दौर में आपने देखा होगा, जब भी ऐसा कोई विवाद होता था तो भारत चुपचाप रहता था, लेकिन अब भारत हर मोर्चे पर बोल रहा है और चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, चाहे वह आर्थिक घेरेबंदी हो या राजनीतिक घेरेबंदी हो। बड़े देश अब भारत के साथ है, अमेरिका जैसा देश अब भारत के साथ चीन के खिलाफ डट कर खड़ा है। बल्कि अमेरिका ने तो ये तक कह दिया है कि वह एशिया में अमेरिकन सैनिकों को उतारेगा, और उसने साफ तौर पर यह कहा है कि चीन एशिया के देशों के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, तो भारत की मदद के लिए अब अमेरिका जैसा देश भी साथ खड़ा है। भारत लगातार अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के नकाब को भी हटाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से वो आतंक फैलाता है। तो आपको बता दें कि FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फिर से डाल दिया गया है, यानी कि उसकी फंडिंग रोकी जा सकती है। अब एक और आपको पॉजिटिव खबर बता दें कि कश्मीर में जून तक 125 आतंकियों को भारतीय सैनिक मार चुके हैं, और जिसमें से 250 से ज़्यादा मददगार गिरफ्तार भी हुए हैं अभी तक। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार के लिए, जिस कश्मीर में आप आए दिन देखते रहते थे इसके पहले कि इधर बम विस्फोट उधर किडनैपिंग की खबर आती थी, लेकिन अब भारतीय सैनिक वहाँ हर दिन ऐसे आतंक फैलाने वाले लोगों को चुन चुन कर मार रही। और एक पॉजिटिव खबर थी जिसे शायद अब हम और आप भूलने लगे हैं कि भारत ही वह देश है जिसने विश्व भर को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना की दवा उपलब्ध कराई। जब शुरुआती दौर में लोगों को ज़रूरत थी, जब ये कहा जा रहा था कि यह दवा काम कर सकती है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तमाम देशों को भारत सरकार ने ही उपलब्ध कराई। और सबसे बड़ी बात, 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में अभी भी अगर आप मौत का आंकड़ा देखें तो यह 15,000 से ज़्यादा है, यानी कि इतने बड़े देश में संक्रमण के मामले हों या मौत का आंकड़ा है, या काफ़ी हद तक अभी भी सरकार के फैसलों की वजह से कंट्रोल किया। तो ये वो 10 फैसले हैं जिसे हमें और आपको समझना चाहिए कि भारत सरकार किस तरीके से काम कर रही है, लेकिन मीडिया का एक खास वर्ग लगातार निगेटिव खबरें चला रहा है।